रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के काशीपुर रेंज में पिछले काफी समय से तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं ताजा मामला रामनगर तराई पश्चिमी के काशीपुर रेंज के मानपुर क्षेत्र स्थित पॉलिटेक्निक के सामने पर्वतीय कॉलोनी का है, जहां आज सुबह बकरियां चरा रहे युवक के सामने ही तेंदुए ने बकरी के बच्चे पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। युवक के द्वारा साहस दिखाते हुए तेंदुए से संघर्ष करते हुए तेंदुए के जबड़े से बकरी के बच्चे को छुड़ा लिया। बता दें, पिछले कुछ समय से तेंदुए की दस्तक काशीपुर रेंज के आसपास के क्षेत्र में बनी हुई है और तेंदुए की दस्तक से डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं। वहीं आज तेंदुए ने काशीपुर रेंज के मानपुर रोड स्थित पॉलिटेक्निक के सामने पर्वतीय कॉलोनी में बकरी चरा रहे युवक के सामने ही बकरी के बच्चे पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। युवक ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए के कब्जे से बकरी के बच्चे को छुड़ा लिया। वहीं बकरी को तेंदुए से छुड़ाने वाले यामीन के मुताबिक वो आज सुबह बकरियां चरा रहा था कि तभी अचानक उसने देखा कि तेंदुआ बकरी के बच्चे को ले जा रहा था। उसने अपनी जान से ज्यादा प्यारे उस बकरी के बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल ली और बड़ी मुश्किल से बकरी के बच्चे को शोर मचाने के बाद तेंदुए के चंगुल से छुड़ा लिया। यामिन का कहना है कि उसने जोरदार थप्पड़ जब तेंदुए को मारा तब उसने बकरी के बच्चे को छोड़ा। वहीं इस पूरे मामले पर रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के DFO प्रकाश आर्य ने बताया कि काशीपुर क्षेत्र में लगातार तेंदुए की आबादी की तरफ आने की खबर संज्ञान में आ रही है। उन्होंने कहा कि स्टाफ को निर्देशित कर उक्त क्षेत्रों में गश्त भी कराई जा रही है। मेरा नाम यामीन, मैं यहाँ बकरी चुगा रहा था। बकरी चुगाने के बाद जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे को तेंदुआ लेके जा रहा दबोच के, तो मैंने उससे मुकाबला किया। बकरी का बच्चा मेरे जान से आला, बेटे से ज्यादा आला, औलाद से ज्यादा आला, बचपन से पाला तो औलाद से ज्यादा आला हो गया। तो जब देखा मैंने कि मेरे तेंदुआ बच्चे को लेके जा रहा बकरी के, तो मैंने उससे संघर्ष किया, उससे छुड़ाया, तो मेरी हिम्मत में इतना क्या मैं अपने बच्चे की जान बचा सकूं, अपनी जान को नहीं देखा मैंने। मैंने अपने इस बकरी के बच्चे को जान से देखा कि मेरा बकरी का बच्चा मुझसे ज़्यादा है। मैंने कोलिया से संघर्ष किया अपने बच्चे के साथ, मैंने उसके एक झापड़ मारा कि जो छोड़ दे, तो उसने जब मैंने उसके एक झापड़ लगाया तो उसने मुँह से छोड़ दिया। फिर मैंने शोर मचाया, सब लोग इकट्ठे हो गए, कोई नहीं सुनता है यहाँ पे, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। आज चलो आज बकरी का बच्चा है, कल को इंसान में छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं। जी मैं गाड़ी चलाता हूँ। हाँ, देखिए काशीपुर क्षेत्र से लगातार जो है लेपर्ड के आबादी की ओर आने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और इस क्रम में लगातार हमारे द्वारा जो है स्टाफ को रात दिन वहाँ पर गश्त भी कराई जा रही है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि ज़्यादा जब उनका मूवमेंट हुआ तो वहाँ पर पिंजरा भी लगाया गया, हालांकि पिंजरे में आया नहीं, लेकिन ये कल जो घटना हुई है कि इसमें एक बालक जो है बकरी चरा रहा था और उसकी बकरी के ऊपर लेपर्ड ने हमला किया, तो उसने अपना साहस दिखाते हुए उसको भगाया उसको। लेकिन वास्तव में ये घटना एक अचानक से इस तरह से हो रही है तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इसको तो रोकना ज़रूरी है। तो इसलिए उसी समय तत्काल टीम मौके पर भेजी गई और वहाँ पर गश्त की जा रही है और इसमें अब जो है यहाँ पर पिंजरा लगाने के लिए उच्च अधिकारियों को से परमिशन ली जाएगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN News के साथ। धन्यवाद।